जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर ये, सुरक्षा बलों को सफलता मिली दो आतंकियों को ढेर करने की। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जो कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में हुई। रेबन इलाके में ये मुठभेड़ हो रही थी। जानकारी के मुताबिक ये जो दो आतंकी ढेर किए गए हैं, आतंकियों से सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने मुकाबला किया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूत्रों से जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने आतंकियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। बताया जा रहा है कि मारे गए जो आतंकी हैं, उनके पास से एक AK-47 एक पिस्टल भी बरामद हुई है। मारे हुए आतंकियों की पहचान भी कर ली गई है। इनमें से एक का नाम अल बदर नवाज है तो दूसरे का नाम आदिल। इससे पहले शनिवार दोपहर को शोपियां में ही आतंकियों ने तीन युवकों का भी अपहरण किया था और एक युवक की हत्या को अंजाम दिया था, जबकि दो को रिहा कर दिया था। हालांकि आतंकियों ने शाम होते होते शोपियां से ही दो और युवकों का अपहरण कर लिया था, लेकिन कहा जा सकता है कि आतंकियों की बौखलाहट ही है जिसके चलते वो आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों से लगातार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। खालिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। खालिद, क्या जानकारी, दो आतंकियों को ढेर किया गया? देखिए बिल्कुल, ये रात एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। रिपन इलाका है शोपियां का, जहां ये सूचना मिली थी कि कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जैसे ही सर्चिंग पार्टी ने घेरा सख्त किया तो छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सर्चिंग पार्टी पर फायर किया, जिसे रिटेलिएट किया गया और एक मुठभेड़ शुरू हुई। और आज सुबह पुलिस के मुताबिक दो मिलिटेंट्स जो HMK बताए जा रहे हैं वो मार गिराए गए हैं, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि दोनों स्थानीय मिलिटेंट थे और काफी देर से इस इलाके में सक्रिय थे। हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मानती है। जी जी बिल्कुल खालिद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक तरफ ये आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल इन्हें ढेर कर रहे हैं। कहा जा सकता है दो आतंकियों को ढेर किया गया सुरक्षा बलों ने। और अब खबर यूपी से, लखनऊ से खबर है। आईबी के हवालों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईबी ने यूपी सरकार को अलर्ट जारी किया है। आतंकी जाकिर मूसा को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। हापुड़ हिंसा में कासिम को मारा गया और कासिम का बदला लेने की साजिश अब मूसा रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के हाथ एक ऑडियो भी लगा है और इस ऑडियो में कासिम की मौत का भी जिक्र है, जिसके चलते खुफिया एजेंसियों ने अब यूपी सरकार को अलर्ट किया है। हापुड़ में गौकशी के शक में कासिम की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उसके बाद से ही अब ये कहा जा रहा है कि इसी मौत का बदला लेने की फिराक में है मूसा, और इसी के चलते आईबी ने यूपी सरकार को अलर्ट किया है। और अगर सोर्स की बात करें तो एक ऑडियो हाथ लगा है खुफिया एजेंसियों को। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। विशाल, किस तरह का अपडेट है और किस तरह का अलर्ट है ये? देखिए, ये कहा जा रहा है, आईबी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो आतंकी मूसा है और इसका जो नेटवर्क है वो यूपी में भी काफी तेजी से फैला है। इसको लेकर यूपी को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ जो जांच एजेंसी है उनके हाथ में एक ऑडियो लगा है जिसमें मूसा इस बात का जिक्र कर रहा है कि 18 जून 2018 को पिलकुआ क्षेत्र के जो मदापुर गांव में जो गौकशी का संदेह के चक्कर में कासिम नाम की जो व्यक्ति की मौत हुई थी, उसी का जो है बदला लेने की फिराक ले रहा है। और शायद यही वजह है कि अब मूसा का जो इस तरह का ऑडियो है उसको लेकर जो जांच एजेंसी है वो सतर्क हो गई है और खासतौर से अलर्ट जो है वो यूपी में जारी कर दिया गया। हापुड़ का ये पूरा मामला है, ऐसे में हापुड़ में जो है खासतौर से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ चूंकि आतंकी जाकिर मूसा का जो नेटवर्क है ये लगातार यूपी, दिल्ली और पंजाब में जारी है, और इसी सब चीजों को देखते हुए यूपी के हापुड़ जिले का जिक्र हुआ है ये अपने आप में काफी अहम है। और फिलहाल इस ऑडियो के आने के बाद तमाम जो जांच एजेंसी हैं, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि अलर्ट पर आ गई हैं और इसके तमाम जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। यूपी से जो लिंकअप हो सकते हैं या हापुड़ में जो घटना हुई है इसका क्या ये बदला लेना चाह रहा है, कि ताकि साजिश रच रहा है, इस पर काम कर रही है। फिलहाल जो सूत्र है यूपी ATF के वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि हापुड़ में कोई इसका जो है जानने वाला हो या कोई लिंकअप हो, इस तरह की चीजें की संभावना भी जता रही है। हालांकि अभी फिलहाल इस ऑडियो आने के बाद यूपी को अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल विशाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लखनऊ।
वक्तों से आपने सुना कि बता रहे हैं किस तरह से एक ऑडियो के बिना पर अब आईबी ने यूपी सरकार को अलर्ट किया।